धिक्कार है तुम सबकी वीरता पर। तुम सब असुर जाति के नाम पर कलंक हो कलंक। तुम में से किसी को भी जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है। तुम सब एक साधारण से मानव उस गजमुखी को दंडित न करके पीठ दिखाकर यहां भाग आए मेरे सामने। इससे तो अच्छा था कि वही रणभूमि में बलिदान हो गए होते, वीर गति को प्राप्त हो गए होते। किंतु अब मेरा क्रोध तुम किसी को भी जीवित नहीं छोड़ेगा। भागो भागो, अन्यथा अशोक सम्राट कमला सिंह का क्रोध हम सबको निकल जाएगा। भागो। क्या हो गया मैंने, ये क्या कर दिया, क्या कर दिया ये मैंने? मां, क्या सचमुच तुम ही मेरी विहंगा मां हो? मैं ही तेरी अभागर मां विहंगा नहीं, जिसके जीवन में कभी पुत्र का प्रेम नहीं लिखा वरदान देते समय, और दया सुनने मुझे बार बार सावधान किया कि तुमसे मिलना मेरी मृत्यु का कारण बन सकता है। दया सुनने मुझे भी बार बार समझाया था, परंतु मैंने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया माँ। परंतु मुझे विश्वास था। यदि तुम्हें विश्वास था माँ, तो फिर मुझसे मिलने के लिए इतना माँ के हृदय को तो भगवान भी नहीं जान पाता। अरे पगले, तुझसे मिलने के लिए एक क्या विहंगा कई जन्मों को निछावर कर सकती है। अब मुझे कोई पछतावा नहीं। मेरे जीवन भर की आप पुत्र, इससे पहले कि मेरी मृत शरीर से निकल जाए, मैं तेरे ललाट को चूम लूं, तुझे जी भर के देख
प्रमाण देने वाली भक्ति हूँ। मैं मानव को सत्कर्मी बनाने वाली पूजा हूँ। मयूरेश्वर का रहस्य जानकर कश्यप स्तब्ध हो जाते हैं। पुजारी जी के समान देवकी भी चंद्रकेतु को गणेश निंदक वीनु समझती है। स्वप्न में श्री गणेश महारानी चंद्रावती को चंद्रपुर जाने की आज्ञा देते हैं। उपेक्षा के बाद आत्महत्या के प्रयास में असफल दयासु गौरी पुत्र से क्षमा याचना करता है। उठो भक्तराज, उठो। तुम्हारी आंखों से निकली पश्चाताप की इस गंगा यमुना ने तुम्हारी भूल और अपराध को धो डाला है। अब आसुरी भाव का अंधकार पराजित हुआ। अब तुम्हारे भीतर परम देव श्री महागणेश की भक्ति का दीपक फिर से जगमगाने लगा है। अब सच्चे मन से परम देव श्री महागणेश के भक्तों की सहायता करो। जय जय श्री महागणेश, जय जय गौरी पुत्र श्री गणेश। मेरे लिए क्या आज्ञा है? कमलासुर की माता विहंगा को तुमने शुक्राचार्य के आश्रम से उसकी गुफा में पहुंचा दिया था। लंबे समय तक विहंगा अचेत रही, परंतु अब सचेत होने लगी है और पूर्ण सचेत होते ही उसके भीतर पुत्र प्रेम पुनः जाग उठेगा। वह कमलासुर से मिलकर मृत्यु को गले लगाने के लिए दौड़ पड़ेगी। उसे सावधान करना होगा दयासुर। जो आज्ञा गौरी पुत्र श्री गणेश, जो आज्ञा। प्रभु, कमलासुर तो अपने मित्र वीनु का प्राण घातक शत्रु बन चुका है, कहीं वो दुष्ट। परम देव श्री महागणेश की इच्छा से वीनु का मन अब बदल रहा है। उसकी रक्षा करना अब हमारा धर्म है। तुम उसकी चिंता छोड़ दो। जो आज्ञा प्रभु। तुम्हें सावधान करवाने की आवश्यकता तो नहीं है दयासुर, परंतु कमलासुर की ओर से सचेत रहना। लूट मार के धन से उसने अनेक असुर और दैत्य सैनिकों को एकत्र कर लिया है। तुम्हारा कल्याण हो। गरीब शिगणेश आपकी जय हो। देवशी महागणेश आपकी जय हो। जय जय श्री महागणेश। त्रिलोक विजयी सिंधु पुत्र असुर सम्राट कमलासुर की जय। त्रिलोक विजयी सिंधु पुत्र असुर सम्राट कमलासुर की जय। असुर वीरो, हमने अपने बाहुबल से जो संपत्ति एकत्र की है उससे हम एक विशाल असुर सेना का गठन करेंगे और अपने पिता के समान पृथ्वी, स्वर्ग और पाताल पर असुर साम्राज्य की स्थापना करके अपने पिता की हत्या करने वाले से प्रतिशोध लेंगे। त्रिलोक विजयी सिंधु पुत्र असुर सम्राट कमलासुर की जय। तीनों लोकों पर केवल हमारा और हमारी जाति का साम्राज्य होगा। हम सब राज सुख का भोग करेंगे। आज हम तुम सबको एक महान साम्राज्य की स्थापना का सबसे गुप्त रहस्य बताने जा रहे हैं। गुप्त रहस्य? मेरी बात ध्यान पूर्वक सुनो, एक दूसरे पर विश्वास करो, किंतु अपने शत्रु को कभी जीवित मत छोड़ो। वो शत्रु उतना घातक नहीं होता जो केवल शत्रु हो। घातक तो वो होता है जो कभी अपना मित्र रहा हो, जैसे कि वीनु। क्योंकि मित्र, मित्रता की आड़ में आपके विषय में सब कुछ जान चुका होता है। असुर सम्राट कमलासुर की जय हो। दुहाई असुर सम्राट। किस बात की दुहाई दे रहे हो तुम सब? मित्रता का ढोंग रचने वाला आपका परम शत्रु वीनु अभी तक मरा नहीं बल्कि जीवित है, और वह इस समय आपके विरुद्ध षड्यंत्र रच रहा है। महाराज, असुर सैनिकों, तुम्हारे कर्तव्य की परीक्षा का समय आ गया है। तुम सब जानते हो कि वीनु का जीवित रहना हम सबके लिए कितना घातक है। जाओ, उसके टुकड़े टुकड़े करके चील कौओं को खिला दो। जाओ। जो आज्ञा असुर सम्राट। असुर सम्राट कमलासुर की जय। असुर सम्राट कमलासुर की जय। असुर सम्राट कमलासुर की जय। अब देखता हूं
कि वीणु कैसे जीवित बचता है। पुत्र कमलासुर, कहाँ हो तुम? पुत्र कमलासुर। माँ। पुत्र कमलासुर। तुम कहाँ हो माँ? मैं तुमसे मिलने के लिए तड़प रही हूँ। कहाँ हो तुम? माँ, मैं शीघ्र तुमसे मिलने के लिए आ रहा हूँ। मैं आ रहा हूँ माँ। जय देशी माँ गणेश। मूर्ख कमलासुर, मूर्खता तो तेरे रग रग में बसी है, इसलिए हमने तुम्हारे जयदशी माँ गणेश। जयदशी माँ गणेश, आओ 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 दुष्टो आओ। अरे मूर्खो, मुझे मुझे क्यों मार रहे हो? जय जय श्री मां गणेश। मूर्खो, मेरा खाते और मुझे ही मारते हो? क्षमा कर दो, क्षमा कर दो, क्षमा। इस दुष्ट कमलासुर के मस्तिष्क में तो केवल दुर्गंध, दुष्टता और मूर्खता ही भरी हुई है। जय जय श्री मां गणेश। कैसा विचित्र स्थान है ये। हे परमदेव श्री मां गणेश, अपने अपने भक्त की रक्षा करें। जय जय श्री मां गणेश। जय जय श्री मां गणेश। कमलासुर, तेरी दुष्टता का यही परिणाम है। तेजस्वी मां गणेश। तेजस्वी मां गणेश। तेजस्वी मां गणेश। मूर्खो, आज के लिए इतना दंड तुम सभी के लिए पर्याप्त है। मूर्खासुर, यदि तुमने मेरी बात अब भी नहीं मानी तो जय जय श्री मां गणेश। दयासुर, एक बार फिर तूने अदृश्य होकर अपने प्राणों की रक्षा कर ली, किंतु दोबारा मेरे सामने आने का दुस्साहस मत करना। पुत्र कमलासुर, पुत्र कमलासुर, कहाँ हो तुम? माँ। पुत्र कमलासुर, कहाँ हो तुम? मैं आ रहा हूँ माँ। माँ। पुत्र कमलासुर। माँ, तुम कहाँ हो माँ? कहाँ हो तुम? पुत्र कमलासुर। माँ, मैं आ रहा हूँ माँ। माँ, माँ, तुम कहाँ हो माँ? मेरी पुकार का उत्तर दो माँ। शीघ्र तुम्हारे पास आ रहा हूँ माँ। तुम वहीं रुककर मेरी प्रतीक्षा करो। मेरा पुत्र आ रहा है, मेरा कमलासुर आ रहा है। उस तक मेरी पुकार पहुंच गई। मैं अपने लाल का मुंह देखूंगी। पुत्र कमलासुर, पुत्र कमलासुर। माँ। पुत्र कमलासुर। माँ। पुत्र, मैं आ रही हूँ। पुत्र कमलासुर, कहाँ हो तुम? पुत्र कमलासुर, माँ, माँ,
विहंगा कहाँ हो तुम? कोई आवाज नहीं, कोई उत्तर नहीं। लगता माता यहां भी नहीं है, परंतु उनकी पुकार तो यहीं से आ रही थी। पास में कोई और गुफा होगी, वहां देखता हूं। मां कहां हो तुम? पुत्र कमलासुर, पुत्र कमलासुर, पुत्र कमलासुर। मां विहंगा कहां हो तुम? मां जय जय श्री महागणेश। माता और पुत्र का प्रेम ऐसा ही होता है, निश्चल, निर्मल और निर्दोष। विहंगा, श्री महागणेश की कृपा से ये अच्छा ही हुआ कि तुम्हारा मिलन तुम्हारे पुत्र कमलासुर के साथ नहीं हुआ। तुम जीवित बच गई। तुम कहाँ हो माँ? मैं तुम्हें खोज खोज कर थक चुका हूँ। पुत्र कमलासुर। विहंगा, अपने पुत्र कमलासुर से मिलने का विचार त्याग दो, अन्यथा तुम जीवित नहीं बचोगी। मैं आ रही हूँ पुत्र, मैं आ रही हूँ, मैं आ रही हूँ पुत्र। जय जय श्री महागणेश। महाबली, महापराक्रमी सिंधु पुत्र कमलासुर की। महाबली, महापराक्रमी सिंधु पुत्र कमलासुर की। बंद करो ये जय जयकार। हमारा शत्रु सफल हो रहा है और तुम सब हमारी जय जयकार करने में जुटे हो। अरे मूर्खो, शत्रु को पराजित करने में अपना पराक्रम दिखाओ। हम अपनी माता को ढूंढ ढूंढ कर थक गए हैं, वो हमसे दूर होती जा रही है, बहुत दूर। उसे दूर करने में अवश्य ही हमारे शत्रु गणेश और दयासुर की चाल है। पुत्र कमलासुर, मेरे लाल, मेरी आंखों की ज्योति, पुत्र कमलासुर, पुत्र कमलासुर, कहाँ हो तुम मेरे लाल? अब हम स्वयं अपनी माता को ढूंढने नहीं जाएंगे। तुम सब जाओ और आदर पूर्वक उन्हें हमारे सामने ले आओ। जाओ। जो आ गया, जो आ गया। ओम गणेशाय नमः। 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 जय श्री गणेश। जय श्री गणेश। प्रणाम। जय श्री गणेश पुजारी जी। जय श्री गणेश। चंद्रपुर का चमत्कारी गणेश जी का मंदिर यही है क्या? हाँ देवी, लगता है इस चंद्रपुर के प्रसिद्ध गणेश मंदिर में आप पहली बार आई हैं। हाँ पुजारी जी, हम बहुत दूर से इस मंदिर की कीर्ति सुनकर आ रहे हैं। इस मंदिर और इसमें विराजमान श्री गणेश जी की लीला अपरंपार है। जो भी भक्त सच्चे मन से अपनी कामना लेकर आता है, श्री गणेश की कृपा उन्हें अवश्य प्राप्त होती है। आप कौशल देश के महाराज चंद्रधर और महारानी चंद्रावती हैं पुजारी जी। कृपा निधान गणेश जी ने महारानी के स्वप्न में आकर इन्हें यहाँ आने का निर्देश दिया। पुजारी जी, हमारे पुत्र युवराज चंद्रकेतु अवश्य ही यहाँ आए होंगे। कृपा करके हमें बताएं कि वे कहाँ हैं। युवराज चंद्रकेतु? क्षमा कीजिए, मैं किसी युवराज चंद्रकेतु को नहीं जानता। श्री गणेश का वचन मिथ्या तो नहीं हो सकता? वे मुझे स्वप्न में झूठा निर्देश तो नहीं देंगे? पुजारी जी, अवश्य ही आपसे कोई भूल हो रही है। भूल? भूल का तो प्रश्न ही नहीं उठता। यदि मैं किसी युवराज चंद्रकेतु को जानता होता तो मैं आपको अवश्य बता देता। मैं उन्हें जानता ही नहीं। पुजारी जी,
हमारे युवराज चंद्रकेतु बचपन में बिछड़े दो जुड़वा भाइयों में से एक है। वर्षों बाद श्री गणेश जी की कृपा से इन्हें इस रहस्य का पता चला और वे अपने आप को यहाँ आने से रोक न सके। महाराज, महारानी जी, मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आपसे श्री गणेश का संकेत समझने में अवश्य कोई भूल हुई है। पुजारी जी, दर्शन करें पुजारी जी, युवराज चंद्र केतु वही है जिसे आप हमारी परम भक्त देवकी के घर पर ले गए थे। परंतु प्रभु, जुड़वा होने के कारण आप सब उन्हें पहचान न सके, परंतु अब समय नष्ट न करके उनका मार्गदर्शन करें। आप पर श्री गणेश की अपार कृपा है महारानी जी, चलिए मेरे साथ चलिए। देवकी बुआ का घर पास में ही है, वहीं आपके पुत्र चंद्रकेतु और हमारे दीनू अवश्य मिलेंगे। आइए मेरे साथ चलिए। जय श्री गणेश। जय श्री गणेश। जय जय श्री गणेश। दीनू, प्रभु आप आपकी कृपा अपरंपार है। प्रभु प्रभु आपने मुझ भूले भटके को सही राह दिखा दी। आप धन्य हैं मंगल मूर्ति, आपकी जय हो। श्री गणेश आपकी जय हो। बीनू, केतकी आपकी जय हो। श्री गणेश, देखा तुमने कितने महान और भक्त वत्सल हैं हमारे श्री गणेश जी, प्रभु जिनकी कृपा से आज एक नास्तिक आस्तिक बन गया। जय जय श्री पुत्र विनु। हे भगवान, आपने मेरी मनोकामना पूर्ण करके मेरा जीवन सफल कर दिया। आपकी जय हो प्रभु। देवकी बुआ, पुजारी जी, देखा तुमने गणेश जी का चमत्कार? देवकी बुआ, अब तक हम जिसे विनु समझ बैठे थे वो विनु नहीं, वो तुम्हारा दूसरा भतीजा विनु का जुड़वा भाई दीनू है। दीनू? और प्रसन्नता की बात यह है देवकी बुआ कि हमारा दीनू कौशलपुर का युवराज चंद्रकेतु बन चुका है। युवराज? यह है कौशलपुर के महाराज और महारानी। प्रणाम महाराज, प्रणाम महारानी। प्रणाम। प्रणाम महाराज। आइए। पुत्र, मुझे बिना बताए कहां चले गए थे? माताजी, माताजी, पिताजी, आप सब यहां? पुत्र चंद्रकेतु, क्या श्री गणेश की कृपा से तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हुई? क्या तुम्हें माता पिता के दर्शन हुए? तुम्हारी जुड़वा भाई से भेंट हुई? महाराज, इन दोनों भाइयों के माता पिता इनके जन्म लेने के कुछ समय बाद ही किसी अशुभ मूल नक्षत्र के कारण परलोक सिधार गए। इनका लालन पालन देवकी बुआ ने ही किया है। आपसे कहने योग्य मेरे पास कोई शब्द नहीं है। समझ में नहीं आता कि आपका आभार कैसे व्यक्त करूं। महाराज, आभार प्रकट करने से पहले हमें इनसे क्षमा याचना करनी होगी। हमने इनके प्रति अपराध किया है। सच तो ये है, जो खोज इतने वर्षों बाद युवराज चंद्रकेतु ने की, वही खोज
हमें इन्हें अपना पुत्र बनाते समय कर लेनी चाहिए थी। हमारी भूल के कारण पिछले अनेक वर्षों से आप महारानी, हमारे आराध्य श्री गणेश की इच्छा से अब तक जो कुछ भी हुआ उसी में हम सबका भला है। हम तो निमित्त मात्र हैं इस जीवन की शतरंज पर। श्री गणेश की इच्छा से नाचने वाले मोहरे भर हैं हम। जो कुछ बीत गया उस पर दुखी ना हो। आप वास्तव में महान हैं। आपके चरणों में एक निवेदन। क्षमा करें महाराज, कुछ भी कहने से पहले मैं इतने वर्षों से बिछड़े अपने पुत्र से एक बार मिलना चाहती हूँ। मुझे मिलने दीजिए। शायद आप लोग नहीं जानते ये 13 महीने का था जब इसे कोई उठा कर ले गया। मैं चारों तरफ भागती रही पर इसका कुछ पता नहीं चला। दिन बीते, मास बीते, लेकिन इसका कुछ पता नहीं चला। जिस किसी से भी पूछती वो कुछ बताने के स्थान पर मुझे अपनी भावनाओं पर पत्थर रखने को कहता। परंतु मेरा हृदय नहीं माना। मेरे मन में विराजमान श्री गणेश मुझसे कहते कि तू आएगा, तू अवश्य आएगा। और आज श्री गणेश की कृपा से तू आ गया, तू आ गया दीनू, तू आ गया। दीनू मेरे पुत्र। महाराज आप कहिए मेरे लिए क्या आज्ञा है। आपसे आज्ञा नहीं, आपसे एक विनम्र प्रार्थना है। आप मेरे युवराज चंद्र केतु के साथ चलकर हमारे कौशलपुर में रहे। महाराज इस साधारण सी दासी को आपने जो सम्मान दिया है मैं उसके योग्य नहीं हूं। परंतु इस समय तो आप मुझे क्षमा ही करें। मेरा पुत्र वीनू कुसंगति में पड़कर नास्तिक और दुराचारी बन गया है। जब तक उसके हृदय में गणेश की भक्ति का दीपक नहीं जगमगाता मैं कहीं नहीं जा सकती। पिताश्री इस समय तो मैं भी क्षमा चाहूंगा, परंतु जैसे ही मेरा भाई वीनू वापस आ जाएगा मैं इन सब को लेकर आपकी सेवा में उपस्थित हो जाऊंगा। तब तो इस तपस्या में हम भी तुम्हारे साथ रहकर वीनू के लौटने की प्रतीक्षा करेंगे। आप कितने दयालु हैं श्री गणेश। आपने अपना भक्त भेजकर मुझे सब कुछ बता दिया। अब मैं चंद्रपुर गांव जाऊंगा, अपने बिछड़े जुड़वा भाई से मिलूंगा। भैया दीनू तुम मुझे मिले, तब भी मैं तुमसे मिल नहीं सका। कितना अभागा हूं मैं। ये सब मेरी दुष्टता का परिणाम है। जीवन भर अपने पापों को ढकने के लिए श्री गणेश को दोष देता रहा। मैं दुष्ट
पापी, महान श्री गणेश की निंदा करता रहा? अरे निंदा के योग्य तो मैं हूं, दंड तो मुझे मिलना चाहिए था, परंतु मिल गया तुम्हें। भैया, अब मैं अपने आप को कभी क्षमा नहीं कर पाऊंगा। भैया कभी क्षमा नहीं कर पाऊंगा। ये दुष्ट यहां छुपा हुआ है, पकड़ कर ले चलो इसे। इस मित्र बनने वाले शत्रु को देखकर हमारे असुर सम्राट कमलासुर बहुत प्रसन्न होंगे। इसे यही समाप्त कर दो। हमारे स्वामी ने कहा था कि मुझे वीनु जीवित या मृत चाहिए। पकड़ लिया तो ये हमसे छूटकर भागने का प्रयास करेगा और हम असफल भी हो सकते हैं। हमारी असफलता को असुर सम्राट कभी क्षमा नहीं करेंगे। आपकी महानता को अपमानित करने वाले मुझ पापी और गणेश निंदक का मर जाना ही उचित है। श्री गणेश, आपने मुझे जो दंड दिया है मैं उसके लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। श्री गणेश, ये दंड नहीं मेरे पापों का प्रायश्चित है। प्रभु, मेरे पापों का प्रायश्चित है। विदुष को मारने की आज्ञा देने में आप इतना सोच विचार कैसे कर रहे हैं असुर सेनापति? आज्ञा दें। तुम ठीक कह रहे हो असुर नायक, इसे मार देना ही उचित है। मूर्ख असुरों, यदि अपने प्राणों की चिंता है तो जैसे आए हो वैसे ही लौट जाओ। देखते क्या हो असुर वीरों, आज हमारे दो दो घोर शत्रु एक साथ मिल गए हैं। ये दुष्ट कोई और नहीं, हमारे असुर सम्राट कमलासुर के पिता का हत्यारा है। मारो इसे। आप महान है श्री गणेश, कुछ अभागे गणेश निंदक की जीवन रक्षा करने के लिए आपने कितना कष्ट उठाया। प्रभु, मैं पापी तो आपसे क्षमा मांगने योग्य भी नहीं हूँ। हम ये जानकर प्रसन्न है वीनू कि तुम्हें इस बात का आभास हो गया है कि तुम्हें तुम्हारी दुष्टता और दुराचार ने ही भ्रमित और दंडित किया था। भूल करना तो मनुष्य का स्वभाव होता है, परंतु भूल करके पश्चाताप न करने वाला मनुष्य भगवान की कृपा से दूर हो जाता है। पश्चाताप के इन आंसुओं ने तुम्हारे पाप और अपराध को धो डाला है। सच को समझने और पहचानने की शक्ति तुम्हारे भीतर प्रकट हो चुकी है। तुम्हारी भ्रमित आत्मा अब जाग उठी है। ये सब आपकी महान कृपा के कारण ही संभव हुआ है। श्री गणेश, तुम्हारी बुआ देवकी, भाई दीनू और भविष्य की जीवन संगिनी विजया की भक्ति भी तुम्हें सत्य और सदाचार के मार्ग पर लाने में सहायक हुई है। हमारी प्रेरणा से दीनू कौशलपुर से चलकर चंद्रपुर पहुंच चुका है। अब शीघ्र वहां जाकर उससे भेंट करो। तुम्हारी बुआ देवकी भी तुमसे मिलने के लिए छटपटा रही है। विजय का प्रेम भी तुम्हें पाने के लिए तड़प रहा है। शीघ्र जाओ, तुम्हारा कल्याण हो। आप धन्य हैं श्री गणेश, आपकी जय हो। जय जय श्री गणेश। धिक्कार है तुम सबकी वीरता पर। तुम सब असुर जाति के नाम पर कलंक हो कलंक। तुम में से किसी को भी जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है। तुम सब एक साधारण से मानव उस गजमुखी को दंडित न करके पीठ दिखाकर यहां भाग आए मेरे सामने। इससे तो अच्छा था कि वही रणभूमि में बलिदान हो गए होते, वीर गति को प्राप्त हो गए होते। किंतु अब मेरा क्रोध तुम किसी को भी जीवित नहीं छोड़ेगा। भागो भागो, अरे तो असुर सम्राट कमलासुर का क्रोध हम सबको निकल जाएगा। भागो। चला।
का बासु, मेरा पुत्र। पुत्र का बासु। माँ। ये तुमने क्या किया? मिलने से पहले ही तुमने मेरे प्राण छीन लिए। मेरी माँ, 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 ये मुझसे क्या हो गया? मैंने ये क्या कर दिया? क्या कर दिया ये मैंने? माँ, क्या सचमुच तुम ही मेरी विहंगा माँ हो? मैं ही तेरी अभागर माँ विहंगा हूँ, जिसके जीवन में कभी पुत्र का प्रेम नहीं लिखा था। सूर्योदय में, वरदान देते समय और दयासु ने मुझे बार बार सावधान किया कि तुमसे मिलना मेरी मृत्यु का कारण बन सकता है। दयासुर ने मुझे भी बार बार समझाया था, परंतु मैंने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया माँ। परंतु मुझे विश्वास था। यदि तुम्हें विश्वास था माँ, तो फिर मुझसे मिलने के लिए इतना माँ के हृदय को तो भगवान भी नहीं जान पाता। अरे पगले, तुझसे मिलने के लिए एक क्या विहंगा कई जन्मों को निछावर कर सकती है। अब मुझे कोई पछतावा नहीं। मेरे जीवन भर की आप पुत्र, इससे पहले कि मेरे प्राण शरीर से निकल जाए, मैं तेरे ललाट को चूम लूं, तुझे जी भर के देख लूं।